Welcome students, in this video lecture of non-conventional energy resources we are studying fuel cells. अक्सर fuel cells को battery से, चूँकि हम battery हमारी day to day life में देखते हैं, हम हमारे जीवन में अक्सर torch की batteries, solar batteries, car batteries, इस तरीके की कई batteries देखते हैं, तो हम अक्सर इस fuel cell को battery कहते हैं. तो सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस हम देखने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज़ फ्यूल सेल एंड व्हाट इज़ बैटरी. क्योंकि आपको जब फ्यूल सेल का प्रयोग करना है तो यू हैव टू यूज़ ओनली फ्यूल सेल, आप वहाँ पर बैटरी वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते. तो इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्य रूप से इस बैटरी और फ्यूल सेल का के बीच क्या अंतर है इसको देखने का प्रयास करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू इसकी प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे. और जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इन डिटेल बताया कि हाइड्रोजन एनर्जी और फ्यूल सेल का प्रयोग कॉम्बिनेशन के तौर पर एकदम प्राइम इसका ये रहता है, और इससे हम काफ़ी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, करते हैं और कर रहे हैं. तो अभी यदि हम इस पूरे नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्स में देखेंगे तो दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूल सेल वी आर एट प्रेजेंटली यूजिंग, और उससे हम काफ़ी बड़े स्तर पर बड़े ऑफिस, बड़ी सिटी काइंड ऑफ हम एनर्जी का दोहन कर सकते हैं. लेकिन चूँकि फिर अगेन जैसे हमने हाइड्रोजन लास्ट वीडियो लेक्चर हाइड्रोजन एनर्जी में डिस्कस किया था, द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, यह जैसे हाइड्रोजन सेल में थी किसी तरीके से फ्यूल सेल में थी, तो दोनों के कारण यह तकनीक अभी हमारे देश से थोड़ा सा दूर है. डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल जनरेट एनर्जी विद दिस टेक्नोलॉजी. यह फ्यूल सेल हम कई तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे हम एक जनरल बिजली प्लांट के थ्रू हम केबल्स और वायर के माध्यम से अपने घरों में जनरेट करते हैं, एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ठीक उसी तरीके से फ्यूल सेल भी इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के तहत आप घर में ही अपना स्वयं का उत्पादन फ्यूल सेल के माध्यम से कर सकते हैं. तो आइए इसे देखते हैं इन डेप्थ डिटेल. इट इज़ डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस. देखिए ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है विच कंटिन्यूसली कन्वर्ट द फ्यूल इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो निरंतर फ्यूल को, जो भी फ्यूल है, फ्यूल क्या है इसे हम आगे देखेंगे, फ्यूल को बिजली में परिवर्तित करती रहती है, यानी कि विद्युत में परिवर्तित करती रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती रहती है. किसको? फ्यूल को. वॉट आर द फ्यूल्स? वी विल सी इट लेटर ऑन. बट हियर बिफोर गोइंग अहेड we want to confirm in our mind what is fuel cell and what is a battery. तो इन दोनों का जो अंतर है इसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है, बिकॉज स्टिल वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली इन फ्यूल सेल एज वेल एज बैटरी. सो द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यूल सेल एंड अ बैटरी इज दैट द बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी विच इज स्टोर इन इट. तो बैटरी क्या है? आपको विद्युत देती है, इलेक्ट्रिसिटी, भले ही वो छोटे स्तर पर क्यों ना हो. आप एक घर में टॉर्च के लिए यदि आप बिजली का उसमें जनरेट कर रहे हो और उससे एक एलईडी बल्ब भी क्यों ना चला रहे हो, भले ही छोटे स्तर पर, लेकिन वो एनर्जी जो स्टोर एनर्जी उस बैटरी के अंदर, उसी एनर्जी को वो बाहर निकालती है और ख़त्म हो जाती है. आफ्टर सम टाइम द बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाती है, जब जितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी रहती है उस जनरेशन के पश्चात उसमें विद्युत बनाने का जो विद्युत बनाने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और एग्जॉस्ट रिसोर्स के बाद उस बैटरी का कोई काम नहीं रहता, वी जस्ट थ्रो इट, है ना. लेकिन फ्यूल सेल ऐसा नहीं है. जब तक आप इस फ्यूल सेल में फ्यूल को प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक जो फ्यूल को प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक यह बिजली की जनरेशन करता रहेगा. दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल. सो बैटरी में बिकम डेड, तो बैटरी कोई भी वो ख़त्म हो सकती है,
वाइल द फ्यूल सेल विल रन अंटिल द फ्यूल सप्लाई टू इट। तो आप जब तक फ्यूल सप्लाई करते रहिए वो बिजली जनरेट करता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। सो व्हाट आर दोज थिंग्स, ये आपको एकदम मुझे लगता है इस स्लाइड से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ अ फ्यूल सेल एंड व्हाट इज़ बैटरी। सो वी विल नेवर इन फ्यूचर, हम कभी भी भविष्य में इस वीडियो लेक्चर को के बाद हम कभी भी बैटरी और फ्यूल सेल दोनों का डिफरेंस पता रखेंगे कि फ्यूल सेल एकदम अलग है, बैटरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नाउ वी कम, तो इसमें देखते हैं किस टाइप के फ्यूल सेल रहते हैं और उस फ्यूल में क्या रहता है। तो पहला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कॉम्बिनेशन है, टाइप्स है, कॉम्बिनेशन रहता है ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्रयोग हमने जब लास्ट वीडियो लेक्चर में हाइड्रोजन एनर्जी का प्रयोग किया था उसमें हम यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। हाइड्राजाइन एंड ऑक्सीजन, N2H4, हाइड्राजाइन का फॉर्मूला, और कार्बन कोल, कार्बन और कार्बन यानी कि कोल के माध्यम से जो कार्बन मिलता है वो, और ऑक्सीजन। ठीक इसी तरीके से मीथेन और ऑक्सीजन, मीथेन जो हम गोबर गैस प्लांट से, हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर में देखा था, गोबर गैस प्लांट के माध्यम से हम CH4 या मीथेन का जनरेशन करते हैं, और हमने आपको बताया था कि इससे आप बिजली भी का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ठीक यही CH4 और ऑक्सीजन, इन इस तरीके से कई कॉम्बिनेशन के ये फ्यूल सेल्स बनते हैं, लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रॉक्स। ये देखिए हाइड्राजाइन में N2H4 है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वी कॉल इट हाइड्रॉक्स, आर मोस्ट इफिशियंट एंड हाईली डेवलप्ड सेल अमंग ऑल। इस पर काफ़ी काम हुआ है इस फ्यूल सेल पर, हाइड्रॉक्स के ऊपर, और यह कई विश्व में कई जगह यह सक्सेसफुली फ्यूल सेल्स काम कर रहे हैं, और ये हम हाइड्रोजन एनर्जी रहे या फ्यूल सेल रहे, ये फ्यूचर की सबसे क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और इस अब जो सभी लीडिंग जो इंटरप्राइजेस हैं, जो वर्ल्ड की बड़ी लीडिंग इंटरप्राइजेस हैं, वो इन्हीं फ्यूल सेल्स को अपने प्रीमाइसेस में लगाने पर जोर दे रही हैं और क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो ये जो हाइड्रॉक्स है, ये आप वर्ड याद रखिए, दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इन दोनों के माध्यम से जब हम फ्यूल सेल को से चलाते हैं, उससे बिजली का निर्माण करते हैं, तो वी कॉल इट एज हाइड्रॉक्स। इन दिस, ये इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस टू पोरस कार्बन और निकल इलेक्ट्रोड्स, या तो कार्बन या निकल का जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनको एक इलेक्ट्रोलाइट, जो आप इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सिलेक्ट करें, 30% KOH ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी एंड लो कोरोसिवनेस, यानी कि वो जल्दी से आपका जो इलेक्ट्रोड है वो सड़ना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है जिसमें 30% KOH हो, के मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 30% हो, और ये जो इलेक्ट्रोड हो यह कोरोसिव नहीं हो, आप इससे कोरोजन ना हो, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, जल्दी वो गल ना जाए इलेक्ट्रोलाइट में। ऐसे इलेक्ट्रोड निकल या कार्बन के हम प्रयोग करते हैं। इन द फ्यूल सेल द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दैट इट शुड नॉट चेंज एज द सेल ऑपरेट्स। तो ये जो इसमें सबसे रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए जैसे सेल के माध्यम से, बिकॉज सेल में भी इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोड होता है और पास में ड्राई फॉर्म में हमारा पाउडर रहता है जो कन्वर्ट करता है विद्युत को। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट आपको कंटिन्यू अवेलेबल होना चाहिए, और वो भी 30% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से। तो एक इसका डायग्राम देखते हैं, ये देखिए प्लस में, अब ये इलेक्ट्रोलाइट इस दोनों के बीच में है, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन जाती है, और ये परमीएबल इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जाती है, और यहाँ से फिर विद्युत यानी विभव का जनरेशन होता है। द H2 फेड एट वन एंड एंड एब्जॉर्ब बाई इलेक्ट्रोड एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको, विच गिव्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स ऑल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल आयन। अब ये अंदर जाते ही OH बन गया हाइड्रोजन अंदर गया, OH है उससे हाइड्रोक्साइल आयन्स बना OH माइनस,
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फॉर्म H2O। तो पानी बनने के लिए हम H2O, आप बाहर से भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि मिल रहा है तो जरूर पानी बनेगा, लेकिन यदि आप इसे केमिकली बैलेंस करें सो यू विल गेट अ डिफरेंट पिक्चर। व्हाट विल बी इट, वी विल सी इन दिस वीडियोस, इन दिस स्लाइड। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनादर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट कॉजिंग करंट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से पूरे सर्किट को में घूमते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन रिएक्ट्स विद H2O एंड O2 बीइंग फेड फ्रॉम अनादर साइड एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन्स OH माइनस कर देते हैं। द OH आयन्स जनरेट आर कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड दस द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो हमने जैसे हमारी प्री कंडीशन थी कि भाई हमको 30% KOH का इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो किस बेसिस पर मिलेगा, इसी रिएक्शन के बेसिस से मिलेगा। और ये देखिए अंत में आपको 2OH यानी कि वही हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसे देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से बनता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपने कई बार केमिस्ट्री और अपने 9th, 11th, 12th में पढ़ रखी हुई होगी। दिस इज जस्ट अ स्लाइट चेंज इन द प्रोसेस। तो H2 किस में विभक्त होता है, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये छोड़ता है। यही इलेक्ट्रॉन सर्किट के माध्यम से वापस ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से आता है, सर्किट के माध्यम से ये यहाँ से वापस आते हैं। 2 हाइड्रोजन, जब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाते हैं और यहाँ से KOH के 2 हाइड्रोक्साइड लेता है तो 2OH लेता है और H2O बनाता है, पानी बनाता है। ऑक्सीजन जो हम यहाँ से छोड़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से अंदर आती है और यह 2O यानी कि मोनोऑक्साइड बनाती है। और इस मोनोऑक्साइड के बाद ये 2E, 2H2O और 2O मिलकर फिर से 2OH यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट का जो हाइड्रोक्सिल आयन्स है ये फिर से बन जाते हैं। तो ये देखिए यही हाइड्रोक्सिल आयन्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइट के यही फॉर्मेशन करते हैं इस 2H को वापस पानी में बदलने के लिए। ऑक्सीजन फिर से मदद, ऑक्सीजन की सहायता से यही जो बना हुआ पानी है इस 2 इलेक्ट्रॉन की सहायता से जो हाइड्रोजन से अलग हुए, इन तीनों की सहायता से फिर यह हाइड्रोक्सिल आयन्स बन जाते हैं। तो यह हमेशा H2O और हाइड्रोक्सिल आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होते हैं, यानी कि 30% आपका यदि हाइड्रोक्सिल आयन अंदर है इलेक्ट्रोलाइट में तो बाकी 70% पानी बनता है और यही प्रोसेस में कंटिन्यूस घूमता रहता है और कंटिन्यूस प्रोसेस बिजली का निर्माण होता रहता है सर्किट के माध्यम से। लेकिन फ्यूल सेल के माध्यम में कई जैसे कि रनिंग इसमें हम देखें तो किस तरीके से हम इसको देखते हैं, इसको इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। दिस टाइप्स ऑफ सेल ऑपरेट एट स्लाइटली अबाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 90°C। थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा 1.03 bar है उससे थोड़ा सा ऊपर चलता है, मतलब ये सारी जो प्रोसेस रहती है ये प्रेशराइज प्रोसेस रहती है। देन ओनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज देयर। ऑल्सो नॉट ओनली प्रेशर, 90°C हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही ऑलमोस्ट 45-46 तक जाता है, लेकिन यह जो प्रोसेस का टेम्परेचर है यह 90°C तक जाता है। दीज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर सेल। तो ये जो सेल्स है फ्यूल सेल जो इनको हम लो प्रेशर लो टेम्परेचर सेल्स भी कहते हैं। इन हाई प्रेशर सेल्स द प्रेशर में गो अप टू 45 एटमोसफेयरिक बार। हम इसको लो प्रेशर क्यों कहते हैं या लो टेम्परेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर सेल अलग होती हैं, इसमें प्रेशर गो 45 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाता है और 300°C इस पूरी प्रोसेस का टेम्परेचर रहता है, विच इज़ क्वाइट हाई। जनरली हम अपने घर अपने आसपास इतना 300° टेम्परेचर का यूज़ नहीं देख पाते हैं। अ सिंगल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल प्रोड्यूस एन EMF और 1.23 volt। तो एक जो हाइड्रोजन सेल है ऐसे 1.23 volts को जनरेट करता है। By connecting more cell in proper arrangement, we can get higher values of voltage and power. तो जब हमको जैसे सेल की तरह ही हम सीरीज और पैरेलल में इस फ्यूल सेल्स को लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे
सेल्स यानी कि बैटरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बैटरी को भी हमने जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में खासकर सोलर एनर्जी का जब हम पावर प्लांट देख रहे थे तब हमने आपको बताया था कि सारी जो बैटरीज है वो सीरीज और पैरेलल में जुड़ी रहती हैं, जिसकी सहायता से हमें जितना वोल्टेज या करंट दोनों में से जो रिक्वायरमेंट हो, यदि हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम पैरेलल या सीरीज में लगाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसी ठीक इसी तरीके से जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम इन फ्यूल सेल्स को जोड़कर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वोल्टेज या करंट जनरेट करते हैं। तो एडवांटेजेस देखते हैं, बिकॉज एडवांटेजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन फ्यूल सेल, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन एनर्जी है, लेकिन चूँकि प्रेशर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये डेफिनेटली ये थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल देखते हैं, इट इज़ अ डायरेक्ट कन्वर्शन प्रोसेस एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ थर्मल प्रोसेस, सो इट हैज़ हाई इफिशियंसी। तो इसमें देखिए कन्वेंशनल प्रोसेस है, इसमें थर्मल कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें हाई इफिशियंसी मिलती है, इसलिए 38-60% आपने कुछ जलाना नहीं है, कोई प्रोसेस को कंट्रोल करना नहीं है, आपको सिर्फ दो फ्यूल्स लाकर उस सेल में छोड़ना है जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हो और वो अपने आप जनरेशन जनरेट करता है प्रोसेस के माध्यम से, कोई इसमें एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। तो ये 38 से इसलिए इसकी इफिशियंसी हाई है। द सेल यूनिट इज स्मॉल लाइट वेट एंड रिक्वायर्स लो मेंटेनेंस, एक बार आपने लगा दिया तो बहुत आसान है इसको मेंटेन करना। फ्यूल सेल यूज में रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, आप फ्यूल सेल रख दीजिए तो आपको बिजली का सब, फॉर एग्जांपल हमारी जो बिजली है फिलहाल कोरबा विद्युत केंद्र में बन रही है, वहाँ से दंतेवाड़ा तकरीबन 700-800 किलोमीटर का प्रवास कर रही है। इस तरीके से फ्यूल सेल में आपको, आप अपने घर के बाहर फ्यूल सेल्स लगा लीजिए और फ्यूल सेल्स को मेंटेन करते रहिए, इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ताकि आपको सही तरीके से एम्पल फ्यूल मिलता रहे और आप अपनी जनरेशन कैपेसिटी अपने घर में ही लगा सकते हैं। आपको इस तरीके से केबल तार और बिजली के जितने उपकरण हैं ट्रांसफार्मर्स, इन सब का प्रयोग नहीं के बराबर करना पड़ेगा, पड़ सकता है। वेरी लो पॉल्यूशन है, नॉइस बहुत कम पॉल्यूशन है और इसका जो आवाज़ है वो भी बहुत कम होता है। इट कैन ईजीली बी यूज इन रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया के लिए ही यह ज़्यादा प्रयोग में लाती है, बड़े ऑफिसर्स में भी यह बहुत सक्सेसफुली काम करती है। इसका जो प्रमुख ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है वो हम बोल सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो बहुत कम होता है। जैसे कि जनरली एक इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस में जो बिजली का जनरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, इसको लगाने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, और लो सर्विस लाइफ। फ्यूल सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड गलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसको मेंटेन करना, इसको चेंज करना, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉस्टलियर इफेक्ट। तो इसकी सर्विस लाइफ बहुत कम होती है, आपको इसको भी चेंज करते रहना पड़ सकता है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्यूल सेल, और आप देख सकते हैं कि ड्रॉबैक्स और एडवांटेज में एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, दो देयर आर मैनी प्रोसेस वी हैव लर्न थ्रू आउट इन नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज, बट हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक और एडवांटेजेस है। बट वी आर श्योर दैट दीज एडवांटेजेस आर मोर इन फ्यूल सेल रिगार्डिंग एनी अदर प्रोसेसेस। तो हम इन फ्यूचर डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी हम अपने आसपास देखने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ड्यू टू लेस पॉल्यूशन एंड हाई इफिशियंसी रेट, दीज आर द टू मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस।